कांटेजार हमारे डेली बेसिस आंगनवाड़ी की महिलाएं, एनआरएचएम की महिलाएं, आरएटी के टीचर, हमारे आरी किपरे के, हमारे जंगलात के सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से हमें जितने भी डिपार्टमेंट्स के जो डेलीवेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेलीवेजर्स हैं, चाहे एसपीओज हों, एनवाईसीज हों, होम गार्ड्स हों, पीएचई डिपार्टमेंट्स के डेलीवेजर्स हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे वीडीसी एसपीओज के बारे में। एक फुल डिटेल्स यहाँ पर बताऊंगा उनकी वेजेस को लेकर, उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर, क्या सैलरी में उनकी बढ़ोतरी होगी या फिर जो ऑर्डर निकला था होम डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। दूसरी बात, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर प्रेस करेंगे, जो भी आपके रिलेटेड वीडियो होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको इजीली देख पाएंगे। चलिए पहले हम बात करेंगे वीडीसी एसपीओज के बारे में, ठीक है। बीजेपी के एक एमएलए किश्तवाड़ में उन्होंने ये बताया था, ठीक है, उनकी तरफ से यहाँ पर एक आश्वासन दिया गया था वीडीसी एसपीओज को, ठीक है, ठीक है, विलेज डिफेंस कम्युनिटी वीडीसी, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो वीडीसी के मेंबर्स हैं उनको अलग से 4,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। जो वीडीसी एसपीओज हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुशी की, लूडो वुडो बांटे, ठीक है, वेलकम किया इस बात का, खुश थे काफ़ी। लेकिन दरअसल बात यह है, जो वीडीसी ठीक है, वीडीसी विलेज डिफेंस कम्युनिटी, उसके बाद उनको चेंज करके वीडीजी बनाया गया, दैट मींस दैट इज विलेंस सॉरी विलेज डिफेंस गार्ड बनाया गया। और जब नया ऑर्डर निकाला होम डिपार्टमेंट ने या वीकेंड से, जब उनको वीडीजी बना दिया गया तब उनको ये 4,000 रुपये नहीं मिले, ठीक है। पहला मुतालबा वीडीसी एसपीओज इस बात का कर रहे हैं या वीडीजी जो मेंबर्स हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि ये 4,000 रुपये हमें क्यों नहीं दिए गए। और दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पर ये बताया जो होम डिपार्टमेंट है, जो उन्होंने ऑर्डर निकाला था, उनकी सैलरी शेयर नहीं की जाएगी, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट्स के जो डेलीवेजर्स हैं, अगर वीडीजी के डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी काटी जाएगी, उसमें कटौती होगी, उसमें शेयर किया जाएगा, तो वो क्या लेंगे, वो क्या सैलरी लेंगे। ऊपर से यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको बताया गया कि उनको अलग से 4,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, अलग से 4,000, और ऊपर से उनकी जो अपनी सैलरी है, ठीक है, वो दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो होम डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ऑर्डर निकाला उसमें उन्होंने ये बताया कि इनकी जो सैलरी है वो शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वीडीसी एसपीओज और उन्होंने ये बताया कि उनकी सैलरी जो है वो शेयर नहीं हो सकती, और जो यहाँ पर उनके जो मुतालबात हैं वो हम अगर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट आज उन्होंने सांबा में किया, अब वो बात हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है। वीडीसी एसपीओज या वीडीजी जो मेंबर्स हैं कहां कहां से आए थे, डोडा, कश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू एरिया से सभी वीडीसी एसपीओज इकट्ठे हुए और यहां पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी, ठीक है। रेगुलराइजेशन पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है, एक नया फरमान सरकार की तरफ से आया है, ठीक है, जो आया था वीडीसी को चेंज करके वीडीजी बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर कुटवा में भी एक बीजेपी के एमएलए ने यह बताया था जो वीडीजी के एसपीओज हैं उनकी जो वेजेस हैं वो अलग से 4,000 दी जाएगी, उन्होंने उनके साथ आश्वासन दिया, काफ़ी खुश थे। उसके बाद ये कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आप तक यहाँ पहुँचाऊँगा। तो यहाँ पर हमने बात वीडीसी एसपीओज की, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के जो डेलीवेजर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि कब उनके लिए कोई खुशखबरी सामने ज़रूर आएगी। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, देखे पहले अपडेट क्या इन डेलीवेजर्स ने बताया, ये मैं आप तक पहुँचाऊँगा आसिफ नबी के साथ, देखे पहले ये अपडेट।
देखिए पिछले दिनों हमारे बीजेपी के एमएलए हैं किश्तवाड़ से सुनील शर्मा जी, उनकी तरफ से इन लोगों को एक आश्वासन दिया गया कि जो बीडीसी मेंबर हैं उनको 4,000 रुपए एक अलग से सैलरी दी जाएगी, लड्डू बांटे गए, हार पहनाए गए, वेलकम किया गया। लेकिन जब ये बीडीसी स्कीम बनती है तो उसमें उस 4,000 का कोई भी जिक्र जो है इन बीडीसी एसपीओ की सैलरी में से नहीं किया गया, ना ही वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया है। पिछले दिनों भी एक जब ऑर्डर जो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया था उसमें भी क्लियर किया गया है कि बीडीसी जो एसपीओस हैं उनकी सैलरी कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक आरटीआई के माध्यम से होम डिपार्टमेंट से जब पूछा गया तो तब भी ये ऑर्डर निकाला गया कि बीडीसी की सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। जब ये बीडीजी का ऑर्डर निकाला गया उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ। अब जब सैलरी देने की बारी आती है तो जो ऑर्डर निकाला जा रहा है, जो बोला जा रहा है कि जो बीडीसी एसपीओस हैं उनकी सैलरी में से 4,000 रुपया बीडीसी मेंबर को दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जायती जो है बीडीसी मेंबर्स के साथ की जा रही है। बीडीसी एसपीओस का जो 18,000 रुपया मिल रहा है उनको पिछले 4-5 सालों से उनको पुलिस स्टेशन में, चौकी में, थाने में एंगेज किया गया है, उनसे ड्यूटी ली जा रही है, जिसका उनको 18,000 रुपया सैलरी दी जा रही है। एज ए एसपीओ उनके पास बेल्ट नंबर है, उनकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, उनका सैलरी सर्टिफिकेट है। तो कहीं ना कहीं जो जो बीडीजी वाला ग्रुप जो स्कीम बनाई है उसमें जब हमारे कुछ एसपीओज हमारे कठुआ के एमएलए एक्स मिनिस्टर राजीव जसरोटिया के पास गए, उन्होंने जब टेलीफोनिकली सुनील शर्मा जी से उनसे बात करवाई, सुनील शर्मा जिन्होंने इस पूरे मैटर को टेकअप किया था उनका भी यही कहना है कि ये जो ऑर्डर है इस पे कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो आज हमारा जो यहाँ पे बैठक हुई है, ये पिछले 3 बैठक हो गई या 4th बैठक है, अगर हमारे इस ऑर्डर को बहाल नहीं किया जाता है, हमारी सैलरी के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो हम जम्मू में प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सारे लोग आगे ही प्रदर्शन पे हैं। हमारे बच्चे की नौकरी नहीं मिल रही, काट यार हमारे डेली वेजर, आंगनबाड़ी की महिलाएं, एनआरएचएम की महिलाएं, आरएटी के टीचर, हमारे आरी खिपरे के, हमारे जंगलात के सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। अंधी गूंगी पैरी जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हमने ठाना है कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, गृह मंत्री हमारे भी हैं, डॉक्टर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे भी हैं, हम अपनी डिमांड जो जायज डिमांड है उसको लेकर दिल्ली जाएंगे, वहां पे उनसे गुहार लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सुना जाए, हमारे ऑर्डर की में अमेंडमेंट की जाए और जो दुख परेशानी और हमारे बीडीसी मेंबर्स को जो सैलरी देने वाला गया है उसके लिए कहां से सैलरी देनी है उसको स्पष्ट किया जाए। अगर ये नहीं होता तो ये जो ऑर्डर है हमने आगे भी कोर्ट में दिए हैं, इस ऑर्डर को ये गवर्नमेंट कैसे कंट्राडिक्ट कर सकती है। इसलिए एक प्रावधान जो हमारे बीडीसी मेंबर जो वॉलंटियरी 1995 से काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का जो 4,000 रुपया गवर्नमेंट ने किया है जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए, नहीं तो उनकी तरफ से भी एक बड़ा जो है वो आंदोलन होने को जा रहा है। इसलिए जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डॉक्टर पीएमओ से रिक्वेस्ट है कि इसके जल्द से जल्द इंटरवेंट कर इस मसले को सुलझाकर खत्म किया जाए, बीडीसी एसपीओ को अपनी सैलरी जो मिल रही है वो दी जाए और हमारे जो बीडीसी मेंबर है उनकी 4,000 सैलरी जो है किस हद से देनी है जल्द से जल्द उनको दी जाए। तो आज हमने वीडीसी एसपीओस की बात की, ये एक अहम अपडेट था सभी मुलाजमीन के लिए, क्योंकि 4,000 रुपये की जो बात की गई थी इसमें शेयरिंग नहीं की जा सकती। और बाकी अपडेट्स के साथ हमारी चैनल के साथ आप बने रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें। दीजिए मुझे इजाज़त, आज का था इतना ही अपडेट, अल्लाह हाफिज़।